ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप भी हर हर महादेव बोले। और अपना आज जो मैं आया हूँ अपना हमीरपुर गसोता महादेव, तो अंदर जो हमारे गुरुदेव लगे हुए हैं अपना भोले बाबा की, जो अभी जो फूल सुबह से चढ़ाए होते हैं उनको साफ सफाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो और श्रद्धालु आएंगे फिर वो फूल अपना जो भी अपना घर से वो भी सामान लेके आते हैं वो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। और जो अपनी मन्नत होती है वो अपनी कबूल यहाँ भोले बाबा से मांगते हैं और भोले बाबा जी उन्हें देते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम अंदर चलेंगे, आपको जो गसोता महादेव अपनी पिंडी या उनके दर्शन करवाएंगे। आज से काफ़ी साल पुरानी ये जो भोले बाबा जी की पिंडी है यहाँ पे पहले, आज से कई साल पहले खेत हुआ करते थे। और खेत में जो हमारे एक जैसे हल जोतते हैं तो वो हल जोत रहे थे, तो खेत से ऐसा हुआ कि जो हल से जो भोले बाबा की जो पिंडी है, जो पिंडी का जो ऊपर वाला हिस्सा वो निकल गया, यानी उस हल से। तो उस हल के जो निशान है वो आज भी यहाँ पे है। और जो हल से जो भोले बाबा जी का जो खून निकला था, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे और खुदाई की, खेत की और खुदाई की, तो उसके बाद यहाँ पे भोले बाबा जी की ये पिंडी निकली हुई थी। और इस पिंडी के ऊपर जो है हमारे जो नाग देवता है वो भी वास करते हैं, तो दर्शन करवाते हैं आपको। अंदर चलते हैं अभी। तो दोस्तों, मैं शिवरात्रि को भी यहाँ पे आया हुआ था। शिवरात्रि पे भी यहाँ यहीं पे था मैं, पूरी रात यहीं पे था 2-2.5 बजे तक। और उसके बाद मैं गया था, तो अभी चलते हैं। और यहाँ पे भी ये रखी हुई है एक, इसको बोलते हैं नाल जैसे बोलते हैं, तो ये भी निकली हुई थी यहीं से। तो यहाँ पे माथा टेक के ही अंदर प्रवेश किया जाता है। और जैसे आपने अंदर इंटर करना है तो यहाँ पे माथा टेक के अंदर इंटर करना है आपने। जो हमीरपुर के अपने दोस्त हैं वो तो यहाँ पे आते हैं, पर जो बाहर के बंदे अपना पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ वो बंदे ज्वाला जी हो गया, चिंतपूर्णी हो गया, चामुंडा माता हो गया, वहाँ पे जाते हैं। और इस जगह पे नहीं आ पाते वो अपना हमीरपुर गसोता महादेव। तो अंदर चलते हैं अभी, हमारे गुरुदेव पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी शिवलिंग हो तो माथा टेकने के बाद आपने लेफ्ट वाली साइड जाके माथा टेकना होता, उसके बाद हमने राइट आके माथा टेकना होता। कभी भी जो भोले शिव शंकर की प्रक्रिया है, माथा टेकने के बाद पहले आपने जाना है उत्तर वाली तरफ से, आपने आना है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने माथा अंदर अभी टेका टेका, तो हमने जो राइट साइड से जाना है, फिर कवर करके हमने लेफ्ट साइड से माथा टेक के अपना मंदिर से बाहर जाना होता है।
क्योंकि अगर आप ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हो तो जो भोले बाबा से आपने जो कुछ भी आपने मांगा होता है वो दरख्वास्त पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हमने लेफ्ट साइड से कवर किया, अभी हम राइट साइड से चलेंगे। सोता महादेव टेम्पल हमीरपुर, यहाँ से जैसे मैं आ गया तो अभी कवर हो गया ना फ्रेंड्स, तो अभी इस तरफ से हमने माथा टेकना है, फिर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद हम बाहर की ओर चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे अपने भोले शिव शंकर जी के जो सबसे नज़दीक भक्त है वो हमारे नंदी महाराज है, और उसके बाद जो हम श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो अभी बाहर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अंदर से आपको दर्शन करवा दिए, और ये हमारा गसोता महादेव जी हमीरपुर टेम्पल है। तो ये सारा मंदिर जो है हमारा हमीरपुर में आता है, गसोता महादेव, और अंदर का ब्लॉग मैंने आपको बताया, और अगले ब्लॉग में मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए हर हर महादेव।